पिछले एक साल जो मेल का क्रम जो गुजरा है वहाँ पे आवाम को वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बहुत सारे कुत्तों का प्रॉब्लम चल रहा था, अब पानी का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत है, सीट लाइट्स नहीं है, कचरे की गाड़ियाँ कमी है, बहुत सारे मसले अभी वार्डों के अंदर पेंडिंग है। ये अलीम पटेल को आदत गिरा है हर टाइम गद्दारी करने का, ये सेकेंड टाइम है। गारंटी गार्डिंग का सक्सेस नहीं हो रहा है और मुश्किल हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एमएलए लोगों को फंड नहीं आ रहा है। देखो आज जो कॉर्पोरेशन जो नए मेयर बने हैं लप्पा नायकोडी साहब, उनके नेतृत्व में आज स्टैंडिंग कमेटी जो चार चेयरमैन होते हैं वो आज इलेक्शन हुआ है यहाँ पे। आज यहाँ पे मेरे माताजी श्रीमती विजय लक्ष्मी जी भी आज हेल्थ कमेटी के अंदर उनको भी एक कमेटी मेंबर बोल के लिया गया है। और तमाम आज गुलबर्गे के आवाम के लिए जो कमेटी जो बना है कॉरपोरेशन के अंदर, आज कांग्रेस पार्टी का हुकूमत और कांग्रेस के मेयर डिप्टी मेयर और कमेटी के चेयरमैन, तो आज गुलबर्गे के आवाम को क्या है, पिछले एक साल जो मेयर का क्रम जो गुजरा है वहाँ पे आवाम को वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कई वार्डों के अंदर बहुत सारे वर्क्स पेंडिंग पड़े हुए, तो आज कहीं ना कहीं आवाम को एक उम्मीद है कि नए मेयर और कांग्रेस का हुकूमत कॉरपोरेशन के अंदर फंड आता है, बजट आएगा, वार्ड्स पूरे डेवलप होते हैं बोल के कहीं ना कहीं आवाम को एक उम्मीद है। बहुत सारे मसले अभी गुलबर्गे के कॉरपोरेशन के अंदर पेंडिंग है। अभी देखो हाल ही में बहुत सारे कुत्तों का प्रॉब्लम चल रहा है अभी भी चल रहा है। अब पानी का थोड़ा प्रॉब्लम और थोड़ा बहुत है गुलबर्गे के अंदर, सीट लाइट्स नहीं है और वार्डों के अंदर कई गाड़ियां कमी है, कचरे की गाड़ियां कमी है, बहुत सारे मसले अभी वार्डों के अंदर पेंडिंग है। और कांग्रेस का हुकूमत जो है आज गारंटी कार्ड के नाम पे जो ये लोग जो काम कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं गारंटी गार्डिंग का सक्सेस नहीं हो रहा है और मुश्किल हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है। एमएलए लोगों को फंड नहीं आ रहा है, कॉर्पोरेशन को मैं सोचता हूँ बजट अभी तक बड़ा बजट, जब येडियुरप्पा साहब जब चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे जो बजट आया है मैं सोचता हूँ उसके बाद में कौन सा बड़ा बजट कॉर्पोरेशन पे आया नहीं। आवाम आज भी क्या है उम्मीद रखे हुए है कि ये ट्रम्प के अंदर मेयर जो बना है इसके अंदर काम हो सकता है बोल के, हम लोगों कॉर्पोरेटरों को भी एक उम्मीद है कि काम मिल सकता है, हो सकता है बोल के। देखो अलीम पटेल जो पिछले मेयर इलेक्शन जो 15 दिन हो गए है उसमें विड्रा जो किए है तो उसका जो भी विड्रा किए कानूनी चौकट में जो पार्टी हाईकमांड आली में 4 दिन पहले पार्टी हाईकमांड के कुमार राणा के नेतृत्व में वहां पे डिस्कस हुआ है अलीम पटेल के टॉपिक को लेके। जो गद्दारी करता है ये अलीम पटेल को आदत गिरा है हर टाइम गद्दारी करने का, ये सेकेंड टाइम है। इस बार अलीम पटेल को डिप्टी मेयर कैंडिडेट किया गया था पार्टी वाले, अलीम पटेल उसको विड्रॉ करके खामोशी है। आज पार्टी अलीम पटेल के खिलाफ जो स्टेप लेना है हम लोग ले चुके हैं, आने वाले दिनों में बहुत जल्द से जल्द जो पार्टी के साथ गद्दारी किया है गद्दारी को सबक सिखाने का काम पार्टी हाईकमांड और हमारे जिला अध्यक्ष, 2-4 दिन में इसका रिजल्ट आएगा बोल के मैं बोलना चाहता हूँ।